मेरा नाम फालमा चौहान, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हिमाचल प्रदेश जनरल सेक्रेटरी। आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जिलाधीश कार्यालय के बाहर, किस बात की? जी, आप लोग देख रहे हैं कि आए दिन हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में महिला हिंसा जो है लगातार बढ़ रही है। महिला हिंसा के मामले में अभी आप लोगों ने देखा कि कर्नाटका में हासन कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो राजग जो गठबंधन के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने महिलाओं के साथ 3000 यौन शोषण की जो वीडियो है वो बनाई है। और जब वहाँ पर की वहाँ की सरकार ने जो SIT का गठन किया, SIT का गठन करने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि दूसरे दिन ही वो देश को छोड़ करके विदेश चले गए। तो इस तरीके की ये यौन हिंसा भारत में, पूरे भारत में लगातार बढ़ रही है। पिछले 10 वर्ष का अगर हम लोग हिसाब किताब देंगे, वो आप लोग देख रहे, चाहे कठुआ हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, कि किस तरीके से उन बेटियों को जो है अभी तक अन्याय न्याय नहीं मिला है। और आप लोग देख रहे हैं कि जो आरोपी है वो आरोपी अभी भी जो है भाजपा के टिकटों से जो है उम्मीदवारी जता रहे हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। और भाजपा की सरकार ने रातों रात कुलदीप ब्रजभूषण शरण का जो है टिकट बदला है। आप लोग देख रहे हैं कि देश में कुश्ती खिलाड़ियों के साथ किस तरीके से यौन शोषण किया गया और उनकी एक भी ना सुनते हुए कि उनको किस तरीके से दिल्ली में खदेड़ा गया। और उसी की तर्ज पर हम लोग हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं कि आए दिन जो महिला हिंसा जो है लगातार बढ़ रही है। आप लोग देखेंगे अभी हाल ही में पालमपुर में किस तरीके से एक लड़की के साथ दरार से वार किया गया और उसको काटा गया, 13 बार वार किया गया। और उसी के साथ स्कूलों में अध्यापकों के द्वारा छोटी बच्चियों के साथ अश्लील वीडियो बनाना कितनी शर्मनाक बात हमारे हिमाचल के लिए है। और छोटी बच्चियों के साथ, 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जा रहा है। और मंदिरों में पुजारियों के द्वारा जो है बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें की जा रही है। तो ये लगातार जो ये महिला हिंसा है, ये हिमाचल प्रदेश में भी और पूरे देश में बढ़ी हुई है। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और प्रज्वल जो रेबना है, हम लोग उसको अरेस्ट करने के लिए आज यहाँ से डिमांड करेंगे कि वो विदेश भागे हैं और उनको सरकार पकड़ के लाए और उनको अरेस्ट करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने बच्चियों महिलाओं के साथ जो है यौन शोषण किया है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसके यहाँ पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं और देश और प्रदेश की सरकारों को भी जगाना जा रहे हैं कि महिला हिंसा जो है लगातार बढ़ रही है और इन हिंसा पर जो है आप लोग लगाम लगाए। आप लोग देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार जो बलात्कार की घटनाएं हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हर घंटे में आज के समय में 88 बलात्कार महिलाओं के ऊपर हो रहे। 7000 के करीब जो महिलाएं हैं वो एक महीने में जो है देश के लिए मारी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा मतलब आंकड़ा है जो बलात्कार का है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस तरीके के जो अपराध और जो हिंसा महिलाओं के साथ बढ़ रही है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से।